ईरान और सऊदी अरब में सुलह हो गई। सिफारती ताल्लुकात की बहाली और दो माह के अंदर अपने सिफारतखाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद हो गई। ब्याज और तेहरान ने 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी तआवुन के मुआहदे को फाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दी गई है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और कहा कि सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद तायुन शुदा वक्त में भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के ज़ेर सदारत तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार करदा खैमे और इमदादी अशिया की तरसील बारे जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 23 मार्च तक तुर्की में सर्दी से बचाव के 50,000 खैमे भेजे जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर में नए फासिस्ट पॉलिसियों के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस्लाम फोबिया से निपटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्लाम फोबिया आज के दौर का एक अहम मसला है। इस्लाम आन और रवादारी का दिन है। इस्लाम फोबिया के मसले से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि एहतसाब अदालतें नैब के दायरे अख्तियार से बाहर केसेस को मुतल्लिका फॉर्म्स पर भेजेंगी। आज़म नज़ीर तारा का कहना था कि कौन सा केस कहां मुंतकिल होगा ये अख्तियार एहतसाब अदालतों का होगा। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम से खत्म होने वाले नैब केसेस की मुंतकली के लिए कानून की वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। तुर्क सदर ने मुल्क में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इंतखाबात की हतमी तारीख के फैसले पर दस्तखत करने के बाद अपने टीवी खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि 14 मई को पूरी कौम सदर और अराकीन पार्लिमान के इंतखाबात के लिए वोट करेगी। और रमजान से पहले महंगाई मजीद बढ़ गई। 1.37% इजाफे के साथ मजमूई शरह 42.27% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया जरूरिया महंगी हुई। हालिया हफ्ते चीनी की कीमत 5.35 रुपए फी किलो बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।